साइकिल पर सवार यह शख्स जब पहुंचा जिले के डीएम के पास तो डीएम के भी होश उड़ गए। कहा, एक गाड़ी दीजिए मुझे और भेजिए मुख्यमंत्री के पास। डीएम ने पूछा, क्या करोगे भाई मुख्यमंत्री के पास जाकर? तो कहा, 5 दिनों में ठीक कर देंगे मुख्यमंत्री को। बिहार के एक जिले में कलेक्टर के पास जब ये साइकिल सवार पहुंचा और कहा, एक गाड़ी दीजिए और मुझे भेजिए मुख्यमंत्री के पास, मैं 5 दिनों में मुख्यमंत्री को ठीक कर दूंगा, तो इस शख्स की बातें सुनकर कलेक्टर साहब भी हक्का बक्का रह गए। इस व्यक्ति ने इसके लिए कलेक्टर साहब को वकायदा एक लिखित आवेदन देकर गाड़ी की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को ठीक कर देने की बात कही है, जिसे देखकर कलेक्टर साहब भी चौंक गए, फिर मुस्कुराया और कहा, इस पर विचार करते हैं। पर कलेक्टर से मिलने पहुंचा यह शख्स गाड़ी की व्यवस्था कराने और मुख्यमंत्री को ठीक करने पर अड़ा रहा, जिसे किसी तरह समझा बुझा कर घर वापस भेज दिया गया। ये मामला बिहार के बेगूसराय का है, जहां एक शख्स अपने आप को WHO से प्रमाणित डॉक्टर बताते हुए जिले के डीएम से गाड़ी की मांग करते हुए मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें ठीक करने की बात कही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोरोना संक्रमित होने की खबर के बाद बेगूसराय के मुकेश आयुर्वेदिक चिकित्सा से उन्हें ठीक कर देने के दावे के साथ डीएम दफ्तर पहुंच गए और डीएम से एक गाड़ी की व्यवस्था कराने के साथ साथ मुख्यमंत्री को पूरी तरह ठीक कर देने का दावा कर डाला। मुकेश का दावा है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो 5 दिनों के भीतर बिहार के मुख्यमंत्री को पूरी तरह ठीक कर देंगे। डीएम के पास आए थे कि मुख्यमंत्री बीमार थे, उनको इलाज करने के लिए यहाँ से आदेश देने नहीं थे। डीएम मिले? मिले, लेकिन आवेदन रख लिया, हमको जाने का आदेश नहीं मिला, कर बाद में दिया जाएगा। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री का इलाज आप कर सकते हैं? जी सर, हम लोग जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे सर, 3 से 5 देना। बेगूसराय के डीएम के पास पहुंचकर मुख्यमंत्री को ठीक कर देने का दावा करने वाले मुकेश के दावों में कितना दम है ये कोई नहीं जानता, पर मुकेश के इस दावे ने जिले के कलेक्टर से लेकर तमाम अधिकारियों को हैरत में डाल दिया कि जिस कोरोना की तोड़ पूरी दुनिया नहीं निकाल पाई, बड़े बड़े देश जिस कोरोना के सामने बेबस हैं, जो कोई नहीं कर पाया वो बेगूसराय का मुकेश कैसे कर देगा, सोच सोच के अधिकारियों का दिमाग फटा जा रहा है। आपको क्या लगता है और आप क्या सोचते हैं इस बारे में नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि क्या मुकेश के दावों में दम है या मुकेश आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। जीवेश तरुण, न्यूज लाइव, बेगूसराय।